हमीरपुर आरटीए कार्यालय में एनओसी के काम को लेकर कार्यालय कर्मचारियों के द्वारा बार बार चक्कर कटवाने का आरोप दड़ुही निवासी संजीव कुमार ने लगाया है। संजीव का कहना है कि आरटीओ कार्यालय में बने ट्रैक्टर की आरसी में कुछ संशोधन करवाने के लिए वह पूरी औपचारिकताएं करने के बाद भी काम नहीं हो रहा है और कर्मचारियों ने साहब से चर्चा करने के बाद काम करने के लिए कहा गया। संजीव कुमार ने आरोप लगाया कि कर्मचारियों ने कभी एक काउंटर से कभी दूसरे काउंटर के चक्कर लगाए और उसके बाद दोपहर बाद आरटीओ का इंतजार भी करवाया। उन्होंने कहा कि आरटीओ कार्यालय हमीरपुर में ही बनी आरसी को दुरुस्त नहीं किए जाने पर एसडीएम से मुलाकात की, जिस पर बाद में आरटीओ कार्यालय में ही काम पूरा हुआ। संजीव कुमार ने यह भी आरोप लगाया कि लोगों का कहना है कि आरटीओ कार्यालय में छोटे छोटे कामों के लिए भी पैसे लिए जाते हैं। उन्होंने बताया कि जब स्वयं मैं आरटीओ कार्यालय के अंदर था तो काम करवाने के एवज में पैसे मांगे गए, लेकिन मैंने पैसे नहीं दिए। क्या कि मैंने एक हफ्ता पहले एक ट्रैक्टर खरीदा जो लोकल ही था, खगल से लिया, खगल के बंदे से लिया मैंने। उसके बाद जो मैंने ट्रांसफर की छोटा सा काम था, ज्यादा नहीं, ट्रांसफर का काम था, ट्रांसफर करवाने के लिए मैं आरटीओ ऑफिस गया, फाइल भरी। सुबह 10 बजे मैं सबसे आगे लाइन में लगा, 10:15 बजे बाबूजी आए। लंबा प्रोसेस है, अब ज्यादा क्या बताऊं मैं, कहने का मतलब बाबूजी ने चक्कर कटवा कटवा के बोले साहब से डिस्कस करनी पड़ेगी। मैं ठीक है, मैंने बोला सर कि आपके ऑफिस ने बनाई हुई है ये आरसी और साहब से क्या डिस्कस करनी है, ट्रांसफर काम है तो नाम तो करना ही, मैंने नंबर चेंज तो करवाना नहीं है, अपने नाम करवाना है मैंने। तो बोले नहीं साहब से डिस्कस करनी, चलो आरटीओ, मैंने बोला वेट कर लेते हैं। 12 बज गए जी, 12:15 बजे आरटीओ साहब ऑफिस आए और अंदर साहब ने मेरे को बुलाया, देखी फाइल, बाबूजी को भी बुलाया, बाबूजी कहानियां डालने लगे, शिमला से परमिशन लेनी पड़ेगी, वो पढ़नी पड़ेगी। मैंने एक ही क्वेश्चन किया, सर ये आरटीओ ऑफिस हमीरपुर की ही आरसी बनी हुई है, आरटीओ ऑफिस हमीरपुर में आरसी बनी और आप उसी आरसी को हमीरपुर में आप अपने ऑफिस में एंटर नहीं कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है? बोले नहीं ये गलत बन गई है। मैं गलत बन गया तो गलती आपने की है तो इसमें मेरे को क्यों बताया कि कभी यहाँ से चक्कर करवा रहे हैं, उधर करवा रहे हैं चक्कर, कि इसके महीना लग जाना, वो लग जाना, यानी कि। तो आज मैं एसडीएम साहब से मिला हूँ, एसडीएम साहब ने अपने ऑफिस में या एसडीएम में ही एनओसी मांगी है कि आरटीओ ऑफिस से एनओसी ले आओ और यहीं एंटर कर देते हैं इसको, बस यही था, बाकी और कुछ नहीं है। पर कल मेरे साथ इतने बंदे थे वहाँ पे कि मैं बताऊँ कि हर बंदा इतना दुखी था कि बोला कि आप बहुत ही बुरा हाल है, छोटा सा छोटा लाइसेंस भी बनाना हो तो उसके लिए पैसे लेते हैं। अब कौन पैसे लेता है इसके बारे में मैं तो नहीं जानता, पर जैसे मैं मॉर्निंग में जब मैं आरटीओ ऑफिस में पहुंचा तो मेरे को एक बंदा मिला वहां पे, बोला भाई साहब आप, मैंने बोला ऐसे ऐसे ट्रांसफर का केस है, ट्रांसफर करवाना है, ट्रैक्टर है। तो बोला कि आज आरटीओ दे दो मेरे को, मैं करवा दूंगा काम। मैंने बोला भाई मैं फ्री हूँ, मैं खुद ही करवा लूंगा, इतनी सी बात तो मेरे साथ भी हुई है। गौरतलब है कि गत कुछ दिन पहले ही शिव कुमार से ट्रैक्टर खरीदा था और रमेश कुमार के नाम पर आरसी बननी थी, लेकिन आरटीओ कार्यालय के द्वारा आनाकानी की जा रही थी, जिस पर रमेश कुमार के सुपुत्र संजीव कुमार को मानसिक परेशानी का भी सामना करना पड़ा। तो काम न होने पर एसडीएम के पास जाकर शिकायत करनी पड़ी, जिसके बाद आरटीओ कार्यालय के कर्मचारियों के द्वारा ही ये काम पूरा किया गया।